तो कल मैंने आपसे वादा किया था कि हमारी चर्चा होगी आप लोगों की दिनचर्या और आप लोगों के खान पान के ऊपर, कि आप लोगों को क्या खान पान रखना चाहिए, क्या दिनचर्या रखनी चाहिए। इसे तीन चीज़ें होंगी। पहली चीज़ क्या है, मस्तिष्क शांत रहता है। दूसरा, कुविचार नहीं आते, है ना, मन में कुविचार नहीं आते। और तीसरा, आप जो है दिन भर मेहनत करते हैं, मेहनत के बाद भी थकान नहीं आती है। तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। यदि इन तीन चीज़ों पर आप कार्य करें तो आप बहुत अच्छे प्रोडक्टिविटी के साथ तैयारी कर सकते हैं। यदि इन तीन चीज़ों में हेल्थ आपका गड़बड़ है, स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कत है, थकान है, चिड़चिड़ाहट है, मन में परेशानी है, ये सब खान पान से बहुत सारी चीज़ें निर्धारित होती हैं, तो एक स्वस्थ दिनचर्या कैसे जिए उस पर मैं आज चर्चा करूँगा आपको। ठीक है, ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं ले जाऊँगा, बहुत छोटे स्तर पर इसे बताने का प्रयास करूँगा आप लोगों से। देखो, सिंपल सी बात यह है कि शरीर की जो नीड है, और नीड में भी क्या होता है ना, भोजन कई प्रकार का है। सबसे कैलोरी मिलती है, कुछ भी खा लो, हर चीज़ में कुछ ना कुछ ऊर्जा है। और ऊर्जा कैसी है, कहीं कहीं पर सकारात्मक ऊर्जा होती है, कहीं कहीं पर नकारात्मक ऊर्जा होती है। नकारात्मक ऊर्जा का मतलब मेरा ये नहीं कि माइनस में कैलोरी मिलेगी, कहने का मतलब ये है कि जैसे बहुत सारी डाइट ऐसी होती है कि खाने के बाद आप थक जाते हो, नींद आने का प्रोग्रामिंग चालू हो जाता है ना, या फिर वो पॉजिटिविटी नहीं मिलती खाने के बाद, वो आपके अंदर वो एनर्जी नहीं आती है, ये आप को फिर लिथार्जिक हो जाती है बॉडी, खाने के बाद लगता है बस सो जाओ। तो वो मैं नकारात्मक ऊर्जा मानता हूँ, क्योंकि उसका बेनिफिट आप, क्योंकि क्या है, शरीर जब थकता है तो आपको डाइट मिल जाए तो फिर से एनर्जेटिक हो जाता है, फिर से काम पे लग जाए, कुछ ऐसा होना चाहिए। उसके लिए एक तरीका है, ऐसा ही तरीका पढ़ने का भी है, ऐसा ही तरीका खाने का भी है, खाने का भी एक तरीका है और ऐसा ही पढ़ने का तरीका है। ये दोनों तरीकों पर सामंजस्य बैठा ले गए तो काम हो जाएगा, अन्यथा की स्थिति में आप परेशान रहोगे और कुछ कर नहीं पाओगे। क्या तरीका हो सकता है, मैं बहुत सिंपली बताता हूँ। सबसे पहली बात, आप लोग जगने के टाइम को निर्धारित बिल्कुल मत करो, कभी भी ये डिसाइड मत करो कि आपको कितने बजे जगना है। ठीक है, जगने के टाइम को कभी भी निर्धारित मत करो, कुछ नहीं होता उससे, आप निर्धारित ही करते रह जाओगे, कभी जग नहीं पाओगे उस टाइम पीरियड पर। ये जो मेरा अनुभव रहा है, मैं ये चीज़ पाया हूँ, और जब से मैंने इस पर काम किया है तो मुझे इसका बेनिफिट भी मिला है। निर्धारित करना है हमें अपने सोने का टाइम। सोने के टाइम में चूंकि आप पूरे होश और हवास में होते हो, सुबह सुबह जगने के टाइम में होश और हवास में कहाँ रहते हो, वो तो एक दूसरी अवस्था से तीसरी अवस्था पहुंचना है, लेकिन सोने वाले समय अवधि पे आप होश और हवास में रहते हो पूरा। तो आप जगने के टाइम को निर्धारित ही मत करो, सोने के टाइम को निर्धारित कर लो। एक काम ये कर सकते हो, या फिर सोने के टाइम को निर्धारित ना करो, जगने के टाइम को निर्धारित कर लो। दो में से एक काम करना है, या तो मुझे हार्ड एंड फास्ट रूल बना लेना, इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल यूज करूँगा मैं, मतलब ये यदि आपने तय कर लिया सोने का टाइम या जगने, दोनों टाइम निर्धारित नहीं करना मुझे, या तो सोने का टाइम निर्धारित करना है या फिर जगने का, दोनों में विकल्प दे रहा हूँ। कि यदि आपने निर्धारित कर लिया, देखो 5 बजे तो कोई नहीं जगता और ना 5 बजे जगना चाहिए मेरे हिसाब से, 6 बजे का टाइम बहुत बढ़िया होता है स्टूडेंट लाइफ में 6 बजे का टाइम बढ़िया होता है, ठंडी में भी सही रहता है और गर्मी में भी सही रहता है। ठीक है, ये जो 5 बजे बनाते हैं, कुछ लोग 4 ही बजे बना लेते हैं, कुछ 3:30 बजे जग के बैठ जाते हैं, तो वो सब जो है अपना अपना है, आप हो सकता है और पहले जगते हो, लेकिन मेरा जैसे मैंने अपना बना रखा कि 6 बजे कोशिश उठना है, 6 बजे उठना है, 6 बजे उठने के बिना काम नहीं हो पाएगा। या फिर देखो इससे क्या होगा, अब इससे मतलब मान लो मैं 3 बजे भी सोता हूँ रात में, तो मैं 6 बजे उठना है, बस मेरा काम है कि मुझे 6 बजे उठना है तो उठना है। या फिर दूसरा रूल ये हो सकता है कि सोने का बना लो कि 11 बजे सो जाना है किसी भी हालत पे, 11 बजे सो जाना है किसी भी हालत पे। फिर आप यदि 11 बजे सोते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप 6 बजे से ज़्यादा आगे सो पाएंगे, आँखें खुल जाएंगी, नींद खुल जाएगी। लेकिन मेरे हिसाब से सोने के टाइम को भी आप निर्धारित कर रहे हैं या फिर जगने के, आपको डिसाइड करना है कि आप सोने का कर रहे हैं कि जगने का कर रहे हैं। सोने का करना है तो सोने का कोशिश करो कि 10 से 11 के बीच ही हो, इसमें किसी भी तरीके से ये सेट ना हो कि 3 ही बजे सोना है, नहीं तो जगोगे कितने बजे, 10 बजे। और यदि जगने के टाइम को निर्धारित करना है तो 5 से 6 के बीच में आप निर्धारित कर सकते हो। एक चीज़ निर्धारित करनी है, 10 से 11 के बीच में सोना या 5 से 6 के बीच में जगना,
कोई एक चीज़ निर्धारित कर लो। इससे एक चीज़ ये हो जाएगा कि मान लो आज मैं 4 ही बजे सोया, ये 2-4-10 दिन होगा, ज़्यादा दिन नहीं होगा, 4 बजे ही सोया तो जग कितने बजे जाना है मुझे, 6 बजे जग जाना है मेरा फिक्स है कि भाई मैं 6 बजे जग जाऊँगा। ठीक है, जगने का मैं इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखता हूँ अपने पास, मैं 5:30 से 6:30 के बीच में जगता हूँ, ना कि मैं 6 बजे जगता हूँ ना कि मैं 5:30 बजे जगता हूँ, इसके बीच में अलार्म बजना चालू होता है आधे घंटे में झकझोर के रख देता है, 3 बार स्नूज करता हूँ, इसके बाद ऑटोमेटिक उठ के बैठ जाता हूँ। जब 3 बार धिक्कार लगती है अंदर से, 5:30 बजे जगता है, स्नूज पहली बार हुआ, फिर इसके बाद फिर बजता है, फिर 10 मिनट के लिए कर दिया, लेकिन 6 बजे तक लग जाता है, यार अब तो जग ही जाओ, कब तक वो बेचारा बजता रहेगा, 3 बार में फिर किस तरह से उठ के बैठ ही जाना होता है। तो ये नहीं है कि 6 बजे यदि मैंने टाइम सेट कर लिया होता और 6 बजे एक बार बजा, मैंने बंद करके रख दिया, काम ख़त्म, फिर उसका क्या है, उसको आगे बजना ही नहीं, फिर आराम से 8 बजे तक और सोता। इस तरीके से क्या है अपना, ये मेरा फ्लेक्सिबिलिटी टाइम है कि इस बीच मुझे जग जाना है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है यहाँ पे। यदि मैं 4 बजे भी सोया, मेरा फिक्स है कि मुझे इतने बजे जगना है, तो क्या हुआ, आज 1.5-2 घंटे की ही नींद हो पाई। रूल है मेरा, दिन में नहीं सोता, मैं दिन में आराम करता हूँ, जैसे कि थोड़ी देर बैठ गए, चेयर में टेक के बैठ गए, आँखें बंद कर ली, थोड़ी देर बाद फिर उसको क्या है, थोड़ी सी नींद, 15 मिनट 20 मिनट 50 मिनट। 3 इडियट में देखे हो ना, वो जब दाढ़ी कटवाने जाता है तो 7 मिनट की नींद लेता है, 7 मिनट में वो अपनी जारी एक्टिविटी कर लेता है, क्या नाम रहता है उसका, वायरस, अच्छा वायरस, तो वायरस वाले काम नहीं करना, 7 मिनट की कोई नींद होती नहीं है, वायरस जैसे लोग ही कर सकते हैं। ये कि अपने को खाना खाने के बाद 1-1.5 घंटा बस आँखें बंद करके लेट गए, बैठ गए कुर्सी में बैठ गए, या फिर थोड़ी देर के लिए चलो मान लो ज़मीन में रीढ़ की हड्डी सीधी कर ली, ठीक है, लेकिन रूल ये बनाओ कि दिन में सोना नहीं है अपने को, दिन को सोने में व्यर्थ नहीं करना है, दिन का काम होना चाहिए जगने में, सोना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप एक स्टूडेंट को दिन में नहीं सोना चाहिए, आप रात पे सो सकते हो, तो इससे क्या होगा, अगले रात में आपको लगातार पक्का 9 से 10 बजे यदि 4 बजे आप सोए होगे और 6-7 बजे आप, जो दिन भर तो नींद आएगी आपको शुरुआत में, लेकिन पक्का आप 9 से 10 बजे ढेर हो जाओगे बिस्तर में जाके। अब जब 9 से 10 बजे ढेर हुए तो अगले दिन फिर 5 से 6 बजे फिर ऑटोमेटिक जग जाओगे, क्योंकि आपका रूल है 6 बजे जगना, फिर इसके बाद फिर ऑटोमेटिक दिन भर काम किए, फिर रूम पे शाम तक जाते जाते ढेर हो गए, फिर 6-7 ये होना शुरू हो जाएगा। अभी क्या होता है, दिन में मार लेते हो 4-6 घंटे की नींद, तो कहाँ वो रात में 3 बजे तक तो नींद आएगी ही, ठीक है। एक रूल और है अपने पास, मैं बहुत सिंपली बता रहा हूँ आपको, बहुत आसान हो जाएगी लाइफ यदि आप ये करोगे। 11 बजे से 11:30 के बाद अपने मोबाइल को अपने आप से दूर कर दीजिए, विश्वास कीजिए इससे खतरनाक हथियार आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, ये एक वो हथियार है जो आपकी लाइफ ख़राब कर देगा, अभी नहीं पता चलेगा, आने वाले 3 साल बाद पता चलेगा, जब 2 अटैम्प्ट से PT नहीं क्वालिफाई होगा, ये क्लियर बता रहा हूँ। मोबाइल आपके हाथ में सबसे खतरनाक हथियार है, यदि रात को 11 बजे के बाद आप उसे रखते हैं तो। 11 बजे तक तो सही है, सही काम करता है, 11 बजे के बाद गलत काम करना शुरू करता है, ठीक है। तो 11 बजे से पहले पहले मोबाइल को ऐसी जगह दूर कर दो कि चाहे डाटा पैक में कहता हूँ ईश्वर करे ख़त्म हो जाए, कुछ भी हो उसमें ऐसा सिस्टम, जैसे कि मैं तो अपने मोबाइल और जितना भी मटेरियल है उसको एक जगह पे पैक करता हूँ और लॉक है उस पे रखा, इसके बाद आराम से थोड़ी देर, अब दिनचर्या को मैंने इस तरीके से किया। अभी तक तो बहुत सारे ऑनलाइन के काम होते थे कि रात ही को निपटाने पड़ते थे, कई बार हुआ कि जैसे यहाँ पे रात भर पढ़ा रहा हूँ, मास्टर वीडियो बना रहा हूँ, लाइव सेशन बना रहा हूँ, तो थकते थकते बैठ के चला लिया, लेकिन अब ये रूल है कि 11 बजे के बाद मैं तो नहीं छूता, लेकिन मेरा क्या है, काम ही है, यदि मैं ऑनलाइन है सब कुछ है तो मुझे तो छूना ही पड़ेगा, नहीं छूँगा तो वो एक रहता कि मैं ड्यूटी टाइम पर हूँ, कभी कभी होता है ना नाइट ड्यूटी भी, नाइट शिफ्ट भी कर दी अपनी तो नाइट शिफ्ट हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना रूल अलग है, मेरे से मत कंपेयर करो, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी सलाह दे रहा हूँ कि 11:30 बजे से पहले पहले मोबाइल को हटा देना, और पहले हटा दो तो जितना अच्छा है। अपना रूल बना लो कि 10 बजे के बाद अपने आँखों को भी तो आराम चाहिए, दिन भर मोबाइल ही पे तो आड़े रहते हो आप, जो उनके लिए है जो जॉब नहीं कर रहे हैं, जो संतुलित जीवन जी रहे हैं, ठीक है, जॉब वाले के साथ अलग दिक्कत होती, तो आपको जगने का टाइम या सोने का टाइम निर्धारित कर लेना चाहिए और उसमें बिल्कुल अड़िग हो जाना चाहिए, उसमें किसी की नहीं सुनना चाहिए, अपने आप की भी नहीं। ये एक काम कर लो, दोनों को डिसाइड मत करो, ये बहुत साइंटिफिक होगा, आप आराम से यदि जल्दी सोओगे तो ऑटोमेटिक जग ही जाओगे, और यदि जल्दी जग जाओगे तो ऑटोमेटिक रात में सो ही जाओगे टाइम से। 6-7 दिन बाद आप बायो क्लाक जो आपकी है ना,
बायोसाइकिल जो है वो सही हो जाएगी, जो शरीर की क्लॉक है। एक शरीर की क्लॉक होती है ना कि ऑटोमेटिक खाने का टाइम 2 बजे का लग जाएगा भूख लगाई, ये बायो क्लॉक में सेट है। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम है तो ऑटोमेटिक सुबह सुबह फ्रेश होने जाना है, तो आपका बायो क्लॉक आपको बताता है कि आपको जाना है। नहाने का टाइम हो गया, बायो क्लॉक बताता है क्या है। तो शुरुआत में भी यदि गंदी हरकतें हैं, टाइम से नहीं उठते हो, जगते नहीं हो, कुछ नहीं करते हो, तो बायो क्लॉक में 7-8 दिन का दिक्कत आता है, क्योंकि ट्रांजिशन फेज होता है। ठीक है, तो आप एक बायो क्लॉक सेट करो अपना जागने का या सोने का, पहला काम ये करना है। ठीक है, मान लो जागने का सेट किया है, 6 बजे आप जग जाते हो, तो जगने के बाद, तुरंत जगने के बाद आपकी डाइट में एक चीज़ होनी चाहिए, क्या? गर्म पानी, उसमें नींबू एक होना चाहिए, आधा नींबू। गर्म पानी, नींबू और शहद, ये बहुत एनर्जेटिक चीज़ होती है। आपका दिन भर, रात भर का जितना भी टॉक्सिस है, सब कुछ है, ऑटोमेटिक आपको एनर्जेटिक कर देगा ये। एक ग्लास हल्का, बहुत गर्म नहीं, पता चला कि आपको तड़िया अंदर, ठीक है। और नींबू और शहद डाल लो, 1 चम्मच शहद डालोगे तो शहद में जो, मतलब ऑटोमेटिक रिचार्ज कर देगा आपको, कम समय में रिचार्ज कर देगा। अब देखो इसमें एक काम, एक चीज़ समझना है कि जब आप ये यूज करते हो, गर्म पानी तो वैसे पीना ही चाहिए, सुबह सुबह जगते ही गर्म पानी तो पक्का पियो, चाहे ठंडी हो चाहे बद गर्मी हो, चाहे टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाए, लेकिन सुबह जगते ही गर्म पानी पीना चाहिए। ठीक है, यदि उसमें शहद और नींबू डाल लोगे तो उससे आपकी बॉडी में अचानक जैसे ही सुबह जगोगे तो जो चिड़चिड़ापन रहता है, जो अंदर आलस से लग रहा होता है, वो ऑटोमेटिक भाग जाता है। तो करना कुछ नहीं है, एक शहद की छोटी बॉटल और नींबू तो आप लेते ही। ठीक है, ये बहुत आसान है। सुबह इसको करने के बाद आराम से जाइए, फ्रेश होइए। फ्रेश होने के बाद मेरे हिसाब से सुबह सुबह जो मैं अपनी दिनचर्या में शामिल करता हूँ, एक फल खा लीजिए। फल खा लीजिए सुबह सुबह, कोई भी फल खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं आप, बनाना खा सकते हैं, सबसे आसान केला है ना, किसी के पे आश्रित नहीं रहना होता है, केला आया तुरंत खा लिए, 1 या 2 केले खा लो। इससे क्या होता है कि बॉडी में जितनी दिन भर की, रात भर की जो थकान है ना, वो एक केले में 2 रोटी के बराबर कैलोरी होती है। ठीक है, 2 रोटी = 1 केला आप खा लीजिए, आपका काम हो, इतना कार्बोहाइड्रेट उसके अंदर होता है। तो आप 1 केला खा लीजिए, 2 खा लीजिए ज़्यादा भूख लगी है तो खाने के बाद जो है थोड़ा सा बॉडी के अंदर, इससे क्या हुआ, बहुत कम ड्यूरेशन में अपने बॉडी को अपने रिचार्ज कर लिया सुबह सुबह, दिन भर की रात भर की थकान आपकी ख़त्म हो गई, समझ रहे हैं। इससे बॉडी, मतलब मैं कह रहा हूँ कि सुबह जो हो ना बिल्कुल ख़तरनाक हो अपनी, सुबह ही ये ना रहे कि सुबह ही आप थके हुए हो, जम्हाई ले रहे हो, सुबह ही आपकी हालत ख़राब है, सुबह बिल्कुल मदमस्त हो जाओ। इतना खाने के बाद मैं गारंटेड कहता हूँ आपके अंदर एक अलग से एनर्जी का संचार होगा, यदि आप करोगे तो। इसके बाद अपनी बॉडी के लिए कुछ करो। मैंने आपको बताए थे कि अपने जीवन को आपको 3 भागों में बांटना है, एक है आपकी पर्सनल लाइफ, एक है आपकी सोशल लाइफ, एक है आपकी प्रोफेशनल लाइफ। अभी प्रोफेशनल लाइफ में पढ़ना है, ठीक है। सोशल लाइफ आपकी अभी 0 होनी चाहिए, ज़्यादा होना नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ सोशल लाइफ बिल्कुल 0 कर दो, कोई फ़ायदा नहीं होता। यारी दोस्ती एक तरफ, कुछ नहीं होता यारी दोस्ती, कुछ भी नहीं होता। पता चला वो यार निकल गया आपका और आप रह गए, सच बता रहा हूँ, मैंने कितनों को देखा है। तो यार के चक्कर में अपनी ज़िंदगी ना ख़राब कर देना, इसलिए यारी सोशल लाइफ को 0 कर दो बिल्कुल से भी। बिल्कुल एक नंबर के स्वार्थी आदमी आप हो अभी इस समय, 1 साल 1.5 साल 2 साल के लिए। माता पिता भी कहें, मैं नहीं कह रहा माता पिता के लिए आपको टाइम नहीं देना, बीमार है सब कुछ, हर चीज़ केयर करना है, आप डॉक्टर थोड़ो ना हो, है ना। लेकिन ये है कि ज़्यादा इमोशनली अटैच रहोगे तो भी आप परेशान हो जाओगे, ज़्यादा इमोशनली अटैच हो गए तो भी आप परेशान हो जाओगे, समझ रहे हो। इमोशंस आपको परेशान कर देते हैं, आके खड़ा कर देते हैं हर बार, तो ज़्यादा इमोशनल नहीं बनना, इमोशनल मैनेजमेंट अपने अंदर होना चाहिए। सबसे ज़्यादा आपको यदि कोई रोकने वाला इमोशनली तो आपका परिवार है, जब बीमार होंगे, जब उनको कोई प्रॉब्लम होगी, आप आकर के कमज़ोर होकर खड़े हो जाओगे, ठीक है। तो आपको इस पर ध्यान देना है, तो आपको सुबह जगना है। अब इसके बाद जो यहाँ पे सुबह सुबह मेरी पर्सनल लाइफ होनी चाहिए, नो सोशल, कोई मोबाइल हाथ में नहीं आना चाहिए सुबह उठते ही। आज के टाइम पे पहले हाथों को लोग देखा करते थे, प्रेयर करते सब करते थे, अब शुरुआत होते ही व्हाट्सएप खुलता है कि क्या मैसेज रात भर में आया क्या। जैसे कि मेरी भी बहुत गंदी आदत शुरुआत में हो गई थी, मैं कमेंट देखा करता था यूट्यूब में कि दिन भर में कितना कमेंट आया, क्या हुआ रात भर में कितना, क्योंकि रात ही में सब प्राणी सोते हैं जगते हैं, तो रात ही भर में इतने कमेंट आ जाते हैं कुछ कहने को नहीं। तो मेरी एक गंदी आदत थी जो कि मैंने अब त्याग दी,
अब मोबाइल को मैं उठाता हूँ जब मेरा ऑफिस टाइम होता है, तब मोबाइल वहाँ से निकलता है और फिर उसको मैं डालता हूँ। तो अपना मोबाइल का एक रूल बना लो, बहुत ज़्यादा इसके चक्कर में ना पड़ो, ये भी सोशल लाइफ ही है, सोशल मीडिया भी एक सोशल लाइफ है। तो सोशल लाइफ में कह रहा हूँ कि कोशिश करो कि ये जीरो तक आए, ठीक है। सोशल लाइफ में इन्वॉल्वेशन नहीं होनी चाहिए, सब चलते हुए भी नहीं चलना चाहिए। तो सुबह सुबह पर्सनल लाइफ के लिए देना है आपको 30 मिनट अपनी पर्सनल लाइफ में देना है। 30 मिनट पर्सनल लाइफ के क्या होते हैं, इसमें कोई रूल मत बनाओ, लेकिन ये बनाओ कि मुझे थोड़ी देर बैठना है, खाली एकांत समय पर बैठना है। दुनिया का तो मुझे खूब पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है ना, दुनिया में तो हमें सब पता है कि पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है, मेरे दोस्त के साथ क्या चल रहा है, उसके साथ क्या चल रहा है, वो बड़ा परेशान चल रहा है, बहुत बढ़िया है ना, ये सब हमें पता है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो सुबह एक घंटे, डेढ़ घंटे, दो घंटे बैठ करके, मतलब 30 मिनट बहुत होता है, 30 मिनट बैठ के आप अपने बारे में सोच सकते हो कि अब मेरा क्या होगा, है ना। या फिर मैं आपको और बेहतर कहूँ कि सुबह सुबह मैं एक काम करता हूँ, जैसे कि थोड़ी देर शीशे के सामने खड़ा हो गया, शीशे के सामने खड़े हो करके वहाँ पर बैठ करके अपने आप को थोड़ी देर देखते ही रहे। अपने आप को देखना ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। हो सकता है सुबह सुबह सज लो अपने लिए, जो कि आमतौर पर नहीं करते ना। तो थोड़ी देर मेडिटेशन या योगा कर लो। मेडिटेशन क्या होता है, आप नॉर्मली अपने आप को जानना है। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप बैठ गए, लंबी गहरी सांस, ध्यान चिंतन को योगी या परमानंद चले गए, ऐसा कुछ नहीं करो। मैं एक छोटा सा मेडिटेशन आपको बताता हूँ, कुछ मत करो, डीप ब्रीदिंग करना सीखो। बस डीप ब्रीदिंग किया, अंदर गहरी सांस ली, थोड़ी देर रोकने का प्रयास किया और उसको फिर जैसे ही लगे उसको बाहर निकाल दो, बस इनफ। बाकी कोई नहीं हमें करना, कुछ नहीं करना, इधर नाक बंद कर रहे हो, उधर कर रहे हो, सब चक्कर में मत पड़ो। ये सब करेंगे आने वाले बात समय, स्टूडेंट लाइफ के बाद उस पे लग जाएंगे। फिर भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, है ना, ये सब काम तब करेंगे। अभी क्या करना है, कुछ नहीं, डीप ब्रीदिंग करना सीख लो। आपको अंदर ले जाना है हवा, लंबी गहरी सांस ले जाना है नाक के माध्यम से, जाके अंदर रोकिए और रोकने के बाद छोड़िए थोड़ी देर, मतलब मेरे ख्याल से 5 मिनट 6 मिनट बस। और सिंपली कुछ नहीं, आप लोग थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हो। फिजिकल एक्सरसाइज बहुत आसान है, जैसे स्ट्रेचिंग, बॉडी को स्ट्रेच कर लो, हर एक अंग को लगे कि उसके साथ कुछ हुआ है आज, उसे भी छुआ गया है अपने बॉडी के माध्यम से, ठीक है। आप स्किपिंग कर सकते हैं, आप स्टेयर चढ़ उतर सकते हैं, आप थोड़ी देर एक जगह पे खड़े होकर के ऊपर नीचे कूद सकते हैं, आप सिटअप कर सकते हैं, आप पुशअप कर सकते हैं, आप कुछ भी, बहुत आसान आसान चीज़ें, बहुत मतलब कोई हार्ड एंड फॉर्म हो, ये पुशअप ही करना है, कल कुछ और आज कुछ और, या फिर आज आसानी से बैठे हैं, बैठे देख ही रहे हैं, सुन भी रहे हैं, मतलब 10 से 15-20 मिनट दो। मैं नहीं कहता कि जिम करो, बिल्कुल मत करो, अभी उम्र नहीं है आपकी जिम की। अभी बस ये कि अपने बॉडी को बिल्कुल संतुलित रखना है, ज़्यादा हमें अपनी ना तो एनर्जी वेस्ट करनी है इन सब चीज़ों पे बस। लेकिन ये है कि इससे क्या होता है कि दिन भर में एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है अपने अंदर। जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, शरीर के अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाती है, ठीक है। कुछ कर लो थोड़ा सा सुबह सुबह, ये दिमाग में बैठा लो, थोड़ी देर अपने लिए बैठो, कुछ दिन तो मन ही नहीं लगेगा अपने लिए, तो कुछ दिन बस बैठो, 5 मिनट बैठे, चलो अपने लिए बैठे, बस काम खत्म, और इसके बाद आप फाइनली बैठ जाओ सबके लिए। बहुत सिंपली और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। इतना कर लो, करने के बाद आओ आराम से, फिर बात करो, फिर नहा लो। नहाने के बाद मैं अपना बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप लोग क्या करते हो, मुझे नहीं पता। इसके बाद मैं आराम से आता हूँ, आने के बाद थोड़ी देर नहाया धोया, फिर मेरा ब्रेकफास्ट रेडी। ब्रेकफास्ट में बहुत आसान चीज़ें जो मैं खुद बना लूं, किसी पे डिपेंडेंसी नहीं। जैसे स्प्राउट मुझे सबसे बेस्ट लगते हैं, बढ़िया सारे दाल, 3-4, एक तो मूंगफली के दाने बड़े पसंद है मुझे, मूंगफली के दाने भिगो दिए रात में, बढ़िया सुबह सुबह फूल जाते हैं। इसके बाद चने हैं, इसके बाद जो है आपका मूँग की दाल है, मूँग की दाल, अजवाइन, शायद आप नहीं जानते हो, जानते हैं, अच्छा अजवाइन भी थोड़ा सा फुला दो, पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, तो अजवाइन भी थोड़ा डाल दो। लोग मेथी भी फुलाते हैं, लेकिन मेथी वगैरह इतना फिर पता चला सरोजाम करने लग गए तो, है ना। ये बहुत सिंपली है, बना के मिक्स करके रख लो, ठीक है। और सोयाबीन आता है, सोयाबीन में बहुत रिच एनर्जी होती है, मूंगफली और सोयाबीन दोनों में प्रोटीन बहुत बड़ी मात्रा में होती है, ठीक है। जो कहते हैं ना प्रोटीन के लिए आपको वे प्रोटीन और दुनिया भर की ये खाते हैं प्रोटीन के सोर्स के रूप में, कोई ज़रूरत नहीं है।
मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ लेकिन अंडा खाता हूँ, ठीक है। अंडे को मैं शाकाहार में, मुझे किसी ने बताया था कि अंडा शाकाहारी होता है, जो कि अब महसूस हो रहा कि गलत है, झूठ बोला था उसने, ठीक है। तो अंडे मैं खाता हूँ लेकिन घर पे नहीं खाता, मतलब घर को मैंने शाकाहार बना रखा, वहाँ पे नहीं जाएगा, बाहर कभी मिल गया तो खा लिया, तो मतलब एक तरीके से नहीं खाता हूँ। जैसे कि पिछले एक महीने से मतलब अंडे नहीं खाए, तो यदि मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो ठीक है, तो यानी वो मेरे डाइट का हिस्सा नहीं रहता। लेकिन जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए तो बढ़िया है, मांस के माध्यम से बहुत प्रोटीन मिल जाता है, अंडे के माध्यम से मिल जाता है उनको, 2-4-6 अंडे में बढ़िया प्रोटीन होता है। लेकिन जो मांसाहार नहीं करते उनके लिए बता रहा हूँ, शुद्ध शाकाहारी मटेरियल। एक चीज़ और खा सकते हो, शायद आप लोग ये सब चीज़ों से परहेज करते हो लेकिन मुझे बड़ा पसंद है, पालक होती है ना, कच्ची पालक। कच्ची पालक में आयरन की रिच मात्रा होती है और आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप कुछ नहीं कर सकते, पालक ले आइए, कच्चा पालक, और उसको साफ़ कर लीजिए, धो लीजिए। रात ही में मैं साफ़ करके फ्रिज में रख देता हूँ जब मूड बन गया, ऐसा नहीं रोज़ खाना है, रोज़ खाएंगे तो बोर हो जाएंगे, तो फ्रिज में रख दिया। सुबह उठा, उठने के बाद बढ़िया कच्ची पालक आराम से, ज़्यादा नहीं, अरे इतना नहीं खाना कि बस पता चला 1 किलो आप जानवर बन गए, है ना, कि कच्ची पालक खा लिया। इससे क्या है, देखो हमारे सब्जियों का विटामिन्स बड़ी मात्रा में मिल रही है पालक से, रिच इंग्रेडिएंट से। तो पालक, कच्ची पालक खा सकते हो आप, यहाँ तक कि जो मूली आती है ना, मूली का जो पत्ता वाला सेक्शन होता है, मूली तो बहुत गड़बड़ होती है, मूली उस दिन जिस दिन कहीं जाना ना हो, अकेले बंद कमरे में रहना, उस दिन मूली बढ़िया रहता है। लेकिन कच्चा जो पत्ता होता है, पत्ता खा सकते हो आप मूली का, वो बेस्ट है ना, कांटेदार होता है लेकिन स्वादिष्ट होता है, उससे भी मज़ा आ जाता है। तो सुबह सुबह अपने भोजन में, या फिर और बेस्ट चीज़ है, थोड़ा सा पढ़े लिखे जैसी बातें, ब्राउन ब्रेड खा सकते हो। ब्राउन ब्रेड आता है, ब्रेड नहीं, आटे वाला ब्रेड नहीं लेना, एक ब्राउन ब्रेड अलग से आता है, ब्राउन ब्रेड लेना है। ब्राउन ब्रेड पे आप 3-4 काम कर सकते हो, जैम लगा के खा सकते हो, 2-3-4 ब्राउन ब्रेड, है ना। या फिर एक काम और कर सकते हो, एक पीनट बटर आता है, पीनट बटर नॉर्मल बटर से अच्छा पीनट बटर होता है, आप पीनट बटर ले सकते हो, अच्छा होता है। उसमें भी दो प्रकार का आता है, क्रीमी आता है, क्रंची आता है, अब आपका स्वाद के अनुसार है, आप क्रीमी पसंद करते हैं, क्रंची पसंद करते हैं, है ना। मूंगफली के दाने उसमें पड़े होते हैं तो बड़ा स्वादिष्ट लगता है वो भी, तो आप पीनट बटर के साथ खा सकते हो, मतलब कुछ भी। हमें इतना खाना है सुबह सुबह, मतलब सुबह की डाइट अच्छी होनी चाहिए, सुबह की डाइट मेरी ऐसी होनी चाहिए कि सफिशेंट हो, ठीक है। सुबह की डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। यदि किसी के घर पे किसी की माँ जो है बहुत प्यार करती हो, कुछ भी है, उनसे कहिए कि वो लड्डू वगैरह बना दें। मूंग के लड्डू कभी खाए हो आप लोगों ने? मूंग के लड्डू हैं, या फिर मूंग के लड्डू नहीं खाए? बहुत अच्छे, बहुत स्वादिष्ट लड्डू होते हैं। तो ये क्या है, देखो दाल ही है लेकिन दाल को कन्वर्ट कर दिया गया लड्डू पे, तो वो भी बहुत, उसमें घी भी पड़ा होता है, उसमें ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं, है ना। तो आप सारा कुछ होता है वो एक लड्डू, मतलब मेरे ख्याल से जो मेरी माँ बनाती हैं, तो मैंने पूरा जब कैलोरी नापा तो एक लड्डू का कैलोरी निकल के आया 300 कैलोरी का, एक लड्डू का कैलोरी निकल के आया 300 कैलोरी। तो सुबह सुबह एक गिलास दूध बढ़िया गर्मा गर्म और एक लड्डू, है ना, तो एक कैलोरी जो है मतलब क्लियर हो जाता है उससे मामला। कुछ भी बनवा लो, सुबह सुबह अच्छा भोजन लेना है, सब्जियों के रूप में ले लो, चाहे स्प्राउट्स के रूप में ले लो, आप ब्राउन ब्रेड के रूप में ले लो, या फिर और भी बताता हूँ, चीला खाया है आप लोगों ने? बेसन का चीला आता है, चिल्ला बोलते हैं कहीं कहीं पे, तो चीला खा सकते हो, बेसन का चीला, यदि घर पे कोई बनाने वाला है, लेकिन ये अच्छा होता है, चना ही है इसमें भी, लेकिन उसको एक नए रूप में बना लिया। या फिर एक आता है आपका, दो प्रकार का आता है, ओट्स, है ना, तो ओट्स खा सकते हो। ओट्स से एक आता है आपका नॉर्मल ओट्स आता है, ठीक है, जिसको दूध में मिला के लोग खाते हैं, और एक होता है कि आप उस पर बढ़िया सा मैगी की तरह उसको आप बना लें, वो भी अच्छा लगता है। तो सुबह मतलब अपने पास ये होना चाहिए, 100 ग्राम ओट्स खाओगे तो कम से कम आपको 150 से 200 कैलोरी मिल जाता है, ठीक है, उतना इनफ होता है, पेट आपका भर जाएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। और हल्का, देखो ये जितनी चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये आपके अंदर मतलब भारीपन नहीं लाएंगी, आपको लिथार्जिक नहीं करेंगे बॉडी को, चाहे आपका वेजिटेबल वाला सामग्री हो, चाहे आपकी स्प्राउट्स वाला सेक्शन हो, चाहे ब्राउन ब्रेड हो, दूध हो, या फिर आप कुछ भी फ्रूट्स वगैरह भी यहाँ पे डाल सकते हो। मतलब सुबह का ब्रेकफास्ट 8:30 से 9 के बीच में कर लो आराम से, और इसके बाद आराम से कुछ नहीं, फ्रूट्स रखो अपने पास, फ्रूट्स ले लो, फ्रूट्स बहुत आसान, बहुत सस्ती चीज़ें आती हैं। यहाँ पे गाज़ियाबाद में रह रहे हो तो मैं आपको एक जगह बता देता हूँ, यहाँ पे नवयुग मार्केट है, नवयुग मार्केट में बहुत बड़ी मंडी है, फल मंडी है, तो कभी टाइम लग जाए
सप्ताह में, दो सप्ताह में, तीन सप्ताह में, तो जाओ वहाँ से दो दो किलो, एक एक किलो लेकर चले आओ। नाशपाती ले आओ, बहुत अच्छे, सबसे ज़्यादा है ना पौष्टिक फल बोलते हैं नाशपाती को, नाशपाती ले आइए। एक होता है खजूर, खजूर बहुत अच्छा होता है। खजूर आमतौर पे आप नहीं खाते हो, जिनको वेट गेन करना हो तो खजूर खाना शुरू करें, बहुत अच्छी चीज़ होती है। खजूर ले आइए एक पैकेट, या फिर मतलब बहुत सस्ता है, ये नहीं कि मैं बहुत महंगी डाइट बता रहा हूँ, बहुत सस्ता है आमतौर पर। खजूर ले आइए, सेब लेना चाहिए, सेब बहुत अच्छी चीज़ होती है, आपके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं उनको ख़त्म करते हैं ये। संतरे हैं, मौसमी फल खाओ, जो मौसम चल रहा है उसके आधार पे आप फल फ्रूट ले सकते हो। तो एक फल फ्रूट आपका, जैसे कि अभी 11:30 बजे आपका ब्रेक होता है, इसमें भोजन नहीं करना चाहिए, एक फल फ्रूट खा लेना चाहिए, कुछ भी, नॉर्मली कुछ भी खा सकते हो, अनार खा सकते हो आप, लेकिन अनार सबसे ख़तरनाक है ना, एक आदमी चाहिए उसको छीलने वाला है ना। हाँ ऐसे ही खा सकते हो, छीलने में भी टाइम लगता है, लेकिन सबसे बेस्ट, सबसे प्यारा सेब, केला से भी सस्ता पड़ता है सेब। सेब को तो बेचारे को छिलका भी नहीं उतारना, केले पे तो इतनी भी मेहनत करनी है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पढ़े लिखे और छिलके भी खाओ, छिलकों में भी बहुत सारा पौष्टिक आहार होता है ना। तो आप एक जो है फ्रूट ले सकते हैं 12 बजे के आसपास, बहुत ईजिली। इसके बाद अपना बारी आती है 2 बजे की टाइमिंग, 2 बजे अपने टाइमिंग में बॉडी क्लॉक सेट कर दो कि मुझे लंच इसी टाइम पे करना है। लंच ज़बरदस्त होना चाहिए, लंच में आप राजमा ले सकते हो, अच्छा लगता है राजमा में, बहुत रिच, छोले ले सकते हो, दाल ले सकते हो है ना, दाल कई प्रकार की, अरहर की दाल है, मिक्स दाल ले लो, बहुत अच्छी है। तो एक प्रकार की दाल और एक प्रकार की सब्जी, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, एक प्रकार की दाल, एक प्रकार की सब्जी है, दाल ही दाल मिल जाए तो बहुत बढ़िया है ना, दाल ही दाल मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, आसानी से लो। और कम से कम 4 रोटी बस, 4 कितने, 6, 8, 10 वाले हैं क्या, 2 रोटी, क्योंकि डिनर में कुछ नहीं खाना, डिनर का वजन ज़्यादा नहीं होना है। आप लोग डिनर में दबा देते हो अच्छे से है ना, तो डिनर में नहीं ज़्यादा, डिनर बिल्कुल हल्का होना चाहिए, इसलिए लंच भारी होना चाहिए। यदि आप डिनर हल्का कर लोगे तो लंच भारी आपको रखना ही पड़ेगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा वो। तो आप लंच वाले पीरियड पे बढ़िया दाल, सलाद का कंटेंट रख सकते हो, खीरा ले लो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सलाद में है, प्याज काट लो, टमाटर काट लो, प्याज तो ज़्यादा अच्छी नहीं होती है ना, सामने वाले के पास पहुँचे तो पता चला, बोला क्या खा के, पूरा वो आपको डाइट बता देगा, ये खाए, पूरा मेनू कार्ड आपका बता देगा। तो आप अपने हिसाब से सलाद पूरा डिसाइड कर सकते हो, सलाद में कुछ भी ले लो, ठीक है, हरी सब्जी मिल जाए सलाद बना लो, उसको 2 सेकंड लगेगा, चाहे टमाटर ही हो, जो भी मिल जाए उसको सलाद में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ है, हम ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा सजावटी खाना नहीं खाया जाता है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे ही होते हैं कि खीरा ककड़ी मिली ऐसे ही खाते हैं हम, और क्या, हमारी ऐसी लाइफ है, हम थोड़ा ना यहाँ पे मेहमान हैं, अपने लिए मेहमानी थोड़ा ना सेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं पे दोपहर में एक अच्छा खाना लो, चावल भी ले सकते हो, लेकिन चावल को ज़्यादातर मैं कहूँगा अवॉइड करो, कम करो अपनी लाइफ में, चावल की बहुत बड़ी भूमिका ना रखो, लेकिन चावल चूँकि भोजन के अंतर्गत आता है तो खा लेना चाहिए, एक दिन दो दिन गैप करके अल्टरनेट डेज पे खा सकते हो, डेली ना खाओ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उससे स्टूडेंट लाइफ की बात कर रहा हूँ, वैसे बुढ़ाती दर की तो खूब चावल ही चावल खाना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। इसके बाद 2 बजे के बाद खाना खाने के बाद आराम से थोड़ी देर अपना जो है काम पे लग गए, फिर ये देखो जितना चीज़ें बता रहा हूँ ना बहुत आपको एनर्जेटिक रखेंगे। इसके बाद आराम से 5-6 बजे फिर हल्का सा कुछ लेना है हमें, 5-6 बजे कुछ चाहिए, इसमें ड्राई फ्रूट्स सबसे बेस्ट रहेंगे, ड्राई फ्रूट्स रख लो, पिस्ता खा सकते हो, थोड़ा सा महंगा होता है, पिस्ता है, बादाम नहीं, अखरोट बेस्ट, ओमेगा 3 होता है अखरोट में, ओमेगा 3 होता है, अखरोट खा सकते हो, मछली, ये सब नॉन वेज वाला, ठीक है, बहुत देखो इसमें कुछ है नहीं, लेकिन पूरे दिन में आपको फाइबर्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स में फाइबर्स हैं, या फिर फ्रूट्स वगैरह है, फ्रूट्स ले लो, यदि नहीं ड्राई फ्रूट मिल रहा तो फ्रूट्स ले लो एज यू विश, लेकिन छुहारे खा सकते हो, गिरी खा सकते हो, जो आपकी इच्छा हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सस्ता भी मिलता है और महंगा भी, यदि नहीं है पैसे तो सस्ते ले सकते हो, बहुत चीज़ें सस्ती मिल जाती है, गिरी छुहारा, मैं यहाँ पे कोई दुकान नहीं खोल के बैठा हाँ, कहाँ से मिलते हैं, तो मार्केट में दुकान से मिलते हैं, ठीक है,
हाँ, यही बचा है, यही दिन देखने को बाकी है, है ना। कुछ लोग कह रहे हैं बुक शॉप डाल लीजिए, कुछ लोग कह रहे हैं जूस की दुकान डाल लीजिए, हाँ सब चीज़ होना चाहिए है। तो यही फिर पता चला थोड़ी देर बाद आप लोग, हाँ थोड़ी देर बाद ये लोग क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि थोड़ी देर बाद क्लास से पढ़ाने के बाद बोलें सर दो गिलास जूस भेज दीजिएगा, है मतलब यही दिन देखने को बचे हैं। तो आपको जूस भी पी सकते हो इस टाइम पीरियड पे शाम को 5 बजे, या फिर मैं और बेस्ट तरीका बताऊँ आपको, थोड़ा सा यदि मेहनत करो तो शेक बना लो, शेक बहुत बढ़िया चीज़ होती है। शेक में यदि आप अंडे खाते हो तो 2 केले डालो, दूध डालो, 2 अंडे डालो, यदि नहीं खाते तो अंडे को तुरंत बाहर करो, उसकी जगह आप ड्राई फ्रूट्स डाल लो। ड्राई फ्रूट्स में बादाम बेस्ट है आपके ब्रेन के लिए, आपके बॉडी के लिए, ऑयल के लिए, सब चीज़ के लिए। तो आप एक शेक बना सकते हो दूध का, कैसे बनाएं ये बहुत बड़ी बात है। उसके लिए हो सकता है कि छोटा सा एक मिक्सर रखो अपने जीवन में, एक छोटा सा मिक्सर रखो जो हमेशा आपके साथ चलता रहे। आता है 1000 रुपये के छोटे छोटे मिक्सर आते हैं जिसमें शेक बनता है केवल, बस तो शेक बना सकते हो। एक चीज़ और है, एक शेक जैसे कि सत्तू, हाँ सत्तू का शेक, हाँ नहीं सही है, चने का आटा होता है वो, चने को पीस देते हैं तो वो बहुत अच्छा हो जाता है, उसमें बहुत एनर्जेटिक होता है वो। सत्तू को शेक बना के पानी डाल के, चीनी डाल के, और क्या नमक में भी खा सकते हो, प्याज में भी खा सकते हो, बिना नमक के भी खा सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो आप जो है मतलब बहुत बेस्ट है 5 से 5:30 बजे 6 बजे थोड़ा सा ले लो। अब इसके बाद आराम से आई बात रात की, रात में हफ्सी नहीं बन जाना है, पता चला दिन भर कुछ नहीं खाया, रात की बारी आ गई। तो रात में बहुत नॉर्मल डाइट, नॉर्मल डाइट में क्या होता है कि मान लो 2 रोटी, अब यहाँ पे मैं दिन में इसीलिए लंच में बोला था 4 रोटी, 4 से मिनिमम 4, 6 भी ले लो कोई दिक्कत नहीं, लंच बढ़िया होना चाहिए, उससे बढ़िया ब्रेकफास्ट होना चाहिए। सुबह का भोजन राजा की तरह, रात का भोजन भिखारी की तरह। और अच्छा नहीं, कम भीख वाला हो चाहे ज़्यादा भीख हो, भिखारी उतना ही खाता है जितना उसकी सोच होती है, भिखारी उतना ही खाता है जितना उसकी सोच होती है, मैं आपको क्लियरली बताऊँ, सोच की बात है यहाँ पर, ठीक है। तो रात में आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक खाना नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा वो नहीं लेना, सिंपल वे पे कुछ भी आप थोड़ा सा दलिया खा लो, खिचड़ी खा लो, मैं तो कहता हूँ खिचड़ी बहुत अच्छी चीज़ होती है, रात में खिचड़ी खा लो, दलिया की खिचड़ी बना लो, है ना, दूध दलिया खा लो, कितना आसान और कितना सिंपल खाना है, बनाने में भी 2 सेकंड, काम में भी 2 सेकंड। खाया अपना, खाने के बाद आराम से थोड़ी देर पढ़े। रात में एक हैबिट अपने अंदर डेवलप करो, रात में सोने से 10 मिनट पहले मुझे एक बुक पढ़नी है, कोई दूसरी बुक, ऐसी बुक जो इस दुनिया की नहीं है, UPSC की दुनिया की नहीं है, उसमें लक्ष्मीकांत ना लिखा हो, उसमें सुभाष कश्यप ना लिखा हो, उसमें BL ग्रोवर ना लिखा हो, ठीक है, एक ऐसी बुक जो थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी दे, ठीक है। आप पढ़ सकते हो जैसे कि मैं विजन 2020 कलाम साहब की बुक मुझे अच्छी लगती है, मेरे स्वप्नों का भारत आप पढ़ सकते हो, या फिर आप कोई भी बुक स्वेट मार्टिन की बुक पढ़ सकते हो, और भी बहुत सारी बुक हैं, बहुत सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश जी पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ने लायक है, लेकिन अभी नहीं, अभी की आपके लेवल में नहीं है, जब थोड़ा सा और बुज़ुर्ग होइएगा तब फिर सत्यार्थ प्रकाश पे आइएगा। मैं सलाह नहीं दूंगा, लेकिन बुक अच्छी है, मैंने पढ़ी है, बुक में कहीं ना कहीं पे ब्राह्मणवादी विचारधारा पे कुठाराघात किया गया। मैं नहीं चाहता कि आप कल के दिन प्रशासन पे जाएं और प्रशासन पे जाके आपके अंदर एक पर्टिकुलर विचारधारा इनबिल्ड हो जाए, ठीक है। तो विचारधारात्मक बुक नहीं पढ़नी, जैसे कि वामपंथी बुक मत पढ़ लेना कोई, ठीक है, वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर विचारधारा आपके अंदर आ जाएगी। आपको जब जाना है एक प्रशासक के रूप में तो आपके पास हर तरीके के लोगों को प्रशासित करना है, तो वहाँ पे एक विचारधारा आपके ऊपर रोल नहीं करनी चाहिए, ना तो आपके अंदर आर्य समाज की विचारधारा आ जाए, ना ब्रह्म समाज की विचारधारा आ जाए। ब्रह्म समाज की किताबें पढ़ोगे तो एकेश्वरवाद, अब एकेश्वरवादी थोड़ा ना, यहाँ बहुदेववादी भी हैं, यहाँ मूर्ति पूजा की करने वाले हैं, समझ रहे हैं, यहाँ पे बिना कर्मकांड करने वाले नास्तिक भी हैं, यहाँ पे भारत सामेतिक बताया ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। पर्टिकुलर ऐसी धार्मिक पुस्तकें अभी मत पढ़ो, वो उम्र आएगी जब वही पढ़ना है। तो आप अच्छी बुक पढ़ सकते हो, भारत से जुड़ी हुई बुक पढ़ सकते हो, जैसे कि
किसी की जीवनी पढ़ लो, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बेस्ट बुक है आपके लिए। जवाहरलाल नेहरू की जीवनी नहीं है वो, भारत के बारे में उन्होंने क्या उन्होंने पाया वो एक अच्छी बुक है, वो पढ़ सकते हो आप। सोने से पहले आपको डिसाइड करना है, जैसे सत्य के प्रयोग अच्छी बुक है महात्मा गांधी की, किसी की भी जीवनी पढ़ सकते हो, एज यू विश, आपके ऊपर है आप क्या पसंद करते हो। इससे क्या होगा, एक हॉबी क्रिएट होगी आपके अंदर। जब UPSC इंटरव्यू पे जाओगे तो आपकी हॉबी पूछी जाती है, पता चला वहाँ नील बटे सन्नाटा, मेरी हॉबी क्या है कुछ रही। तो बुक रीडिंग यदि है तो पूछेंगे भी ना कौन सी बुक पढ़ी, पता चला सुभाष कश्यप पढ़ के आए, वो तो सब पढ़ के आए, वो तो कोई बुक रीडिंग ना हुई, वो तो एग्जाम में नंबर मिल जाए इसलिए पढ़ी गई, है ना। बुक रीडिंग का मतलब है कि आप कुछ ऐसी बुक पढ़ रहे हो, उनसे दो चीज़ें होंगी, एक तो प्रेरणा मिलेगी आपको, दूसरा सोने से पहले जो हमारे दिमाग में चिंतन होता है वो चिंतन रात भर प्रोसेसिंग करता है। सोने से पहले जो भी आप सोचते हो, आप सोचो सुबह सोने से पहले आप क्या करते हो, क्या कोई ऐसा सीरियल देख के सोते हो जिसमें लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, यदि देख के सोते हो तो समझ लो वही लड़ाई झगड़े सुबह तक दिखेंगे, सुबह वही इम्प्लीमेंट हो जाएंगे आपके डायरेक्शन में, आपको परेशान कर देंगे। लोग यही कर रहे हैं आज के टाइम पे, टीवी का पिटारा, घर पे सबके जगह पे जादू का पिटारा लगा हुआ है, दुनिया भर की चीज़ें आ रही हैं, रात में ऐसी चीज़ों को देखते हैं फिर सो जाते हैं चिड़चिड़े मन से, सुबह उठते हैं बीवी बच्चों को भागते भागते जाके ट्रेन पकड़ते हैं, जाके ऑफिस गए रात में आए फिर वही हाल, फिर उतना 3 बजे तक देखे, क्या व्यवस्थित दिनचर्या बना के रखी है हमने। तो आपको रात में बहुत ही सेंसिटिव इस बात में रहना है कि रात में सोने से पहले मेरे दिमाग में निगेटिविटी कम से ना जाए। क्यों? रात में आपका दिमाग सोने की अवस्था में अवचेतन मस्तिष्क में जा रहा है, उस अवस्था में आपके साथ जो विचार होंगे वो विचार आपके अंदर आकर के भर जाएंगे, वही आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करेंगे। आप आज जो कुछ भी हो अवचेतन मस्तिष्क के कारण हो, आपके अंदर जो भी इनबिल्ड है आपके अंदर का अवचेतन मस्तिष्क आपको क्या कर रहा है, प्रोग्राम किया हुआ है, वही प्रोग्रामिंग है आपकी जिसको खत्म करना कठिन है। मैं आपकी विचारधाराएं नहीं बदल सकता क्योंकि आपके अवचेतन मस्तिष्क में जो छिपा हुआ है उसको बदलने मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। अभी तक आपने जो इनपुट प्रदान किया उसके अंदर जा चुका है। आप जब भी एक सही धारा पे सही ट्रैक पे चलने का प्रयास करोगे वो आके आपके सामने खड़ा हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो आपको रात में सोने से पहले बहुत पॉजिटिविटी देनी है। पता चला पिताजी से लड़के ही सोए, पता चला किसी दोस्त ने कुछ कह दिया, रात में सोने से पहले एक काम और कर सकते हो, सोने से पहले 1 मिनट या 2 मिनट अपने ब्रेन की तरफ देखो, ब्रेन में क्या चल रहा है, ब्रेन में क्या प्लानिंग चल रही है। इसको देखने से आपकी ब्रेन की मशीन बंद हो जाएगी, मशीन चल रही होती है। देखो आप तो सो जाते हो, शरीर तो सो जाता है लेकिन ये तो नहीं सोता, तो इसका आजा मची सटकली सुबह सुबह हो जाता है, फिर इसको समझ ही नहीं आता क्या हुआ मेरे साथ, सुबह उठते हो चिड़चिड़े मन से उठते हो। तो सुबह सोने रात में सोने से पहले एक बार इसको देखो कि इसमें क्या क्या चल रहा है। हो सकता है इसमें चल रहा हो कि मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये भी चल रहा हो कि मेरे आज टास्क नहीं पूरे हो पाए कैसे करूं। इससे क्या होगा, आपको अपना दर्पण आपका चेहरा दिखाई देगा रात में सोने से पहले, और कोशिश करोगे कि आज चलो जो भी रहा आज मैंने अपना टाइम पूरा दिन ऐसे ऐसे वेस्ट किया। या फिर आप सोने से पहले ये भी देख सकते हो कि पूरा दिन मेरा किन किन गतिविधियों में गया, कहाँ पे मैंने किसको गलत कह दिया, किसी ने मुझको गलत कर दी कह दिया, किसने किसकी लाइफ को मैंने डिस्टर्ब कर दिया, किसने मेरी लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया, समझ रहे हो। तो जब ये पहलुओं को देख करके आप सोगे तो आपके दिमाग में एक सुकून होगा, एक शांति होगी, दिन भर का अवलोकन आपके मस्तिष्क में हो चुका होगा, और जब फिर सोगे तो बहुत इत्मीनान की नींद सोगे और कहोगे कि अब कल कम से कम इसको बेहतर बनाऊंगा अपनी लाइफ को, ठीक है। तो आपको बहुत आसान ज़िंदगी को बहुत आसान बनना है, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। देखो इसमें पैसा आगे आके खड़ा नहीं होना चाहिए, आपको लग रहा हो कि यार पैसा मेरे पास नहीं है कुछ नहीं है, ये देखो जीवन जीने का तरीका होता है आपका, ये जीवन जीने का, देखो ज़िंदगी तो कट रही है, कट गई इतने साल तक बिना पैसे के भी और हर चीज़ के भी, ये आपके पर्सनालिटी के ऊपर डेवलप कर रहा है कि आप इस परिस्थिति पे उबर नहीं पा रहे हो। आप तो कुछ नहीं, स्वामी रामतीर्थ का नाम सुना होगा, स्वामी रामतीर्थ जब विदेशों में थे तो वो कहते थे कि USA गए थे हुए थे, और जब USA में थे तो स्वामी रामतीर्थ के साथ क्या दिक्कत थी, उनके पास पैसे नहीं थे पहली बात, और एक ऐसी कंट्री में जिस कंट्री में कोई जानने वाला नहीं है, पैसे बहुत सीमित थे, तो वो क्या करते थे, रोटी के साथ दाल फ्री मिलती थी, रोटी के पैसे लगते थे दाल फ्री मिलती थी, तो क्या करते थे वो रोटी ले लेते थे और दाल ज़्यादा ले लेते थे उससे, क्योंकि दाल तो फ्री होती थी, तो उसी दाल को 2-3 दिन चला के खाते थे। विवेकानंद एक ऐसा व्यक्ति जो यहाँ से अमेरिका गया और जाने के बाद वहाँ पर कूड़ेदान तक में ज़िंदगी आ गई कि सोना पड़ गया उसको। तो
तो आप क्या हो, सब कुछ है आपके पास, लेकिन आपके पास एक पर्सनालिटी नहीं है, एक एटीट्यूड नहीं है आपके अंदर अपना खुद का, आपका खुद का पर्सनल व्यक्तित्व नहीं है, जिसके कारण से हमेशा आके गरीबी और अमीरी को लाके खड़ा कर देते हो, पैसों को लाके खड़ा कर देते हो, बस दिमाग इसी में लगाते हो कि अरे मैं कैसे चुकाऊंगा, अरे मैं इससे ले रहा हूँ, अरे मैं उससे ले रहा हूँ, अरे मेरा फंड खत्म होता जा रहा है, अरे मेरा ये हो रहा है। अरे टाइम इस पे वेस्ट करना चाहिए कि इस पे करना चाहिए, कि जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है होने दो, मुझे अपना टाइम ये यूटिलाइज करना है बड़े स्तर का। आपकी एक प्रॉपर दिनचर्या हो, आपका प्रॉपर एक जीवन जीने का तरीका हो, उस पे आप अड़िग रहें। आपके साथ क्या है, पर्सनालिटी आपकी इतनी वीक है कि रोज कमिटमेंट करते हो, रोज तोड़ देते हो। क्या पर्सनालिटी है आपकी, क्या कमिटमेंट करोगे कल आके जाने के बाद? सौदा करके रखा है आपने, ठीक है, तो इस सौदे से आपको बचना है। सौदेबाजी जो आपने अपने साथ कर रखी है, अभी ये टाइम वेस्ट कर दोगे आप इन सब चीजों में, किसी स्टूडेंट के पास इस उम्र में नहीं होता है। और होगा भी क्या, होता तो स्टूडेंट थोड़ा ना होते आप, स्टूडेंट हैं तो चैलेंज आएंगे, ये स्टूडेंट लाइफ की वास्तविकता है। जीवन में समस्याएं आएंगी उनके, यदि समस्याएं आएंगी तो उनको सामना भी तो आप ही को करना है। माँ बाप आके थोड़े ना इस चीज़ पे खड़े हो जाएंगे, ना आना चाहिए उनको, वो जितना करना था वो कर रहे हैं। और एक बात और ध्यान से दिमाग में बैठ लो, आप अपनी माँ बाप की तो बात मानते नहीं हो, नहीं मानते, लिखित रूप से ले लो, नहीं मानते आप, नहीं मानते आप अपने माँ बाप को अनपढ़ मानते हो कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, अरे इन्हें कुछ पता नहीं है, इन्होंने नई दुनिया नहीं देखी है। लेकिन एक चीज़ आज आपको बता दूं कि आपके घर पे और आपके समाज पे, आपके जो जीवन पद्धति है, आपके जीवन में जो कुछ भी आया, यदि सबसे सही राय और सबसे ज़्यादा आपके हित के बारे में कोई सोचने वाला है तो आपके माँ बाप हैं, ना आपका दोस्त आपके हित में सोचता। दोस्त के अंदर तो कलुष भरा होता है, वो तो कब चाहता कि कब कुएं के नज़दीक पहुँचे, पहली लात मेरी हो। दोस्त ये चाहता है, वो सामने प्यार मोहब्बत वो अलग बात होती है, लेकिन मुझे पता है कि जिस दिन सिलेक्शन होगा दोस्त गले से तो लगाएगा, लेकिन किस गले से लगाएगा आपको ही पता है। खुश होने वाला इस परिवार, इस ज़िंदगी में एक ही आदमी, आपके माँ बाप बस। तो कभी उनसे लड़ो झगड़ोगे नहीं, कम से कम उन्हें खुश रहो रखो, जो उनकी इच्छाएँ पूरी नहीं कर सकते किसी की, भाई उनकी इच्छाएँ क्या पूरी कर लोगे आप, उनकी इच्छाएँ बहुत अलग अलग हैं, वो तो चाहते हैं कि आज ही शादी हो जाए, आज ही निपटे, मेरा खबर ख़त्म हो। लड़कों को चाहते हैं आज ही शादी हो जाए तो क्या हो जाए, इनका कमाने लगेगा, कल के दिन चार पैसा मांगेगी बीबी तो फिर देगा लही कहीं से लाके। लड़कियों को भी चाहते हैं कि कमाएं जाएं, कहां कब जाएं, यहां से कब निकलें, ये उनकी इच्छा है। लेकिन उनकी सोच गलत नहीं है, उनका कहीं पर भी दृष्टिकोण गलत नहीं है, समझ रहे हैं। और बहुत सारे माँ बाप सपोर्टिव नेचर के भी होते हैं, मैं ये भी मानता हूँ, लेकिन बात यह है कि आप कहीं ना कहीं पर, एक चीज़ और बता दूँ, शादी के बाद कुछ नहीं होता, पढ़ाई नहीं होती, सब कुछ होता है, पढ़ाई नहीं होती, कलह हो जाएगा, ज़िंदगी परेशान होने से लग जाएगी। सबसे गोल्डन टाइम पीरियड चल रहा हमारा बैचलर लाइफ, इसीलिए देख रहे हैं, मैं कोई रिस्क नहीं लेना 35 साल तक यदि बहुत कुछ करना है। मोदी जी को देखो, आज ऐसे थोड़ा ना सब जगह दहाड़ते फिरते, कोई डर ही नहीं है, घर पे जाके कोई डांटने वाला नहीं है तो जाके कहीं भी कुछ बोल के चले आते हैं, घर में कोई डांटने वाला होता तो क्या होता, एक बार सोचते कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, एक बार कहीं जाके कोई और सुनेगा तो चिल्लाएगा। तो आजकल क्या है कि जितना रामदेव बाबा जी को देख लीजिए, ठीक है, तो विवाह, मैं नहीं कह रहा विवाह बुरी चीज़ है, गलत चीज़ नहीं है, यदि आपका ये है कि लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा है, बहुत संवेदनशील है, बहुत सुलझा हुआ है, तो आपको जीवन में बहुत आगे भी ले जाएगा, क्योंकि एक से भले दो है ना, लेकिन दो से भला तीन जब होता है तब दिक्कत हो जाती है, वहाँ पे समस्या हो जाती है, और दो से भला तीन होने में टाइम नहीं लगता है, ठीक है, वो समस्या की जड़ बन के आ जाती है, सारी कहानी वहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। तो बात ये है कि सिंपली भाई देखो, अभी तक मैं बन के खड़ा हुआ, मैं भी वृक्ष बन गया, अब मेरा बारी आया फल देने का, फल देने से पहले मेरा विवाह हो गया, दूसरे फल आ गए, और उन फलों को फिर बड़ा कर रहा हूँ वृक्ष बनने के लिए, फिर उनका टाइम से विवाह कर दिया जाता है, फिर वो फल पैदा कर देते हैं, फिर इसके बाद वही चलता रहता है। यही तो है, माँ बाप इतनी बात तो नहीं समझ पाते, वो यदि चाहें तो अपने बच्चों को बहुत बेहतर ज़िंदगी दे सकते हैं इस मामले में, थोड़ा सा उनको फ्लेक्सिबिलिटी दे दें, लेकिन समाज ऐसा है, समाज की समस्याएँ ऐसी है कि हर माँ बाप चाहते हैं कि यार निवृत्त करो, क्यों, संयम है नहीं, आत्मसंयमित नहीं है, मन का भटकाव होता है इस उम्र में, जिस उम्र में आप घूम रहे हो, और गारंटेड लिख लो कुछ नहीं होता, ज़िंदगी ख़राब करने का सबसे गोल्डन अवसर अभी है, ये अभी नहीं पता चलेगा। मेरे कितने दोस्त हैं जिनका मामले में बहुत
सुलझाने सुलझाने में टाइम वेस्ट कर डाला। मैं तो बचा रहा हर चीज़ों से, लेकिन मेरे दोस्तों ने इतना टाइम, लेकिन आज के टाइम पे रोते हैं हमेशा मुझसे, कहते हैं कि यार तुम मुझसे आगे बहुत निकल गए। मैंने कहा तुम भी तो कहीं थे पहले। बहुत समझाया, बहुत, मैं अपने दोस्तों को एक बात बोलता था, वही बात आज आपको भी बोलता हूँ कि आपको कोई नहीं समझा सकता, आपको समय समझाएगा। लिख लो आज मेरी बात को, ना मैं समझा सकता, ना माँ बाप समझा सकते, ना दोस्त समझा सकता, आपको समय समझाएगा। जब आके गाल पे ऐसी थप्पड़ मारेगा तब आपको पता चलेगा कि हु आर यू। तब आपने मेरे साथ, आज समय के साथ गलत करोगे ना, समय आपके साथ वो स्तर का गलत करेगा कि आपको पता नहीं चलेगा। ऐसे तमाचे मारेगा, खींच खींच के रोगे, आंसू नहीं आएंगे। समय का थप्पड़ जब लगता है तो अच्छे अच्छों की ये बात दिमाग में बैठा लो। इसलिए समय का सम्मान करो, समय मिला है पढ़ाई पे लगाओ, दुनिया भर की चीज़ों से दूर रहो, अपनी एक स्वस्थ दिनचर्या, अपना एक स्वस्थ जीवन पद्धति, अपने दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक विचार, पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई, और अपनी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट, काम खत्म, सारी चीज़ें एक तरफ, पढ़ाई एक तरफ, सब कुछ करेंगे। बाकी की ज़िंदगी अभी पढ़ इसीलिए रहे ना, आगे की ज़िंदगी को खुशनुमा हो जाए। ये नहीं बुढ़ाती दमा सोचने पड़े, काश कर लिया होता तो मैं भी बन गया होता कुछ, काश ये ज़िंदगी अपने बच्चों को ना देता। आपके माँ बाप यही चाह रहे हैं ना आपसे कि कुछ ऐसा कर जाओ कि कल के दिन सब कुछ मिलेगा, पूछो मत क्या क्या मिलेगा आपको। और उनका अच्छे से पता चला अभी आपने ज़िंदगी इन सब चीज़ों पर बर्बाद कर दी तो क्या मिलने वाला आपको। एक तो फाइनेंशियली रूप से वीक हो जाओगे, समाज में देखोगे क्या होता है आज के टाइम पे। मैं सच बताऊं 10 15 20 25 30 हज़ार की सर्विस का मतलब जीरो है, कुछ नहीं होता 10 15 20 25 30 हज़ार रुपए से, समझ रहे हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी मौका मिला है, इस मौके को भुनाओ। नहीं भुना पाए तो वो मंजर पे जाओगे जो मंजर आपको अभी आपने नहीं देखा, देखोगे, मैं लिख के दे सकता हूं। यदि आपने अभी गलतियां कर दी, अभी भी चूक गए तो अरे गोल्डन टाइम है, पढ़ो, मेहनत करो, कोशिश करो अपने साथ, रात दिन एक कर दो, लग जाओ खून पसीना की पढ़ाई होनी चाहिए आपकी, ताकि जब सक्सेस मिले तब मज़ा आए कि हाँ मैंने कुछ किया था, आज उसका मुझे फल मिल रहा है। सबसे आसान काम पढ़ना ही तो है, बताओ। मन भटकाना से आसान काम कुछ नहीं, सबसे ये भी है, इजिली हो जाएगा, घूमते रहो पागलों की तरह। अपोलेंड मॉल बगल पे है, बाकी और घूमना है तो दिल्ली पूरी पड़ी है, जाओ घूमते रहो, सेंट्रल पार्क भी है, सीपी भी है, दिन भर बैठे रहो वहाँ पागलों की तरह, कुछ नहीं होना आपका, सच बता रहा हूँ। ये सब पता चलता है टाइम के बाद, मैंने डीयू की लाइफ देखी है, मुझे पता है क्या होता है वहाँ पे। एक समय के बाद फ्रस्ट्रेशन का टाइम चालू होता है आपका, और उस फ्रस्ट्रेशन के टाइम में आज के टाइम पे क्या हो रहा है, बड़े बड़े IITians भी देख रहे हैं, IIT का रिकॉर्ड है, रोज आत्महत्याएं हो रही हैं, अधिकारी भी हत्या कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि एक स्वस्थ जीवन जियो, एक अच्छे नागरिक बनो, इथिकल वैल्यूज़ हों आपके, आपके जीवन में कुछ मानवीय मूल्य हों, नैतिक मूल्य हों, उन मूल्यों के साथ आप समझौता करने को तैयार ना हो, तभी तो हो पाएगा। पता चला वीक पर्सनैलिटी का आदमी कहीं पर भी बस वही दिखावे की ज़िंदगी जीने वाला, जो सिर्फ दिखावा पसंद करता है। आपको दिखावे की ज़िंदगी नहीं जीना है। क्या होगा किसी को दिखा के, क्या मिल जाएगा मुझे, कौन क्या दे देगा मुझको दिखाने से, ठीक है। अपने पास जो है मुझे पता है, मेरे अंदर जो क्वालिटी, मेरी गुणवत्ता है, मुझे कोई जज करने वाला नहीं है। सामने वाला मुझे अच्छा कहे बुरा कहे क्या फ़र्क पड़ता है, आप मुझे सम्मान दो मुझे गालियाँ दो क्या फ़र्क पड़ता है, बताओ, कुछ नहीं होता। तो इन सब चीज़ों से दूर भागो, ऊपर उठो, मैं कह रहा हूँ इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाओ। ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, ये सब ले मैन के लिए हैं। एक रिक्शा वाले की सोच होती है कि जहाँ भी जाए उसे सम्मान मिले, उसको पैर छुए जाए, उसके सब कुछ करे, ये सोच से ऊपर उठो। हमारी सोच इतनी, हमारा कंपटीशन बड़ा है, हमारा दायरा बड़ा है, हमारी सोच बड़ी है। तो अपने जीवन को व्यवस्थित बनाइए, एक स्वस्थ दिनचर्या का अनुपालन कीजिए, अपने गोल्स को बड़े कीजिए, डिजायर बड़े कीजिए, और फिर देखिए क्या होता है, चमत्कार। आपको ज़्यादा नहीं करा, एक महीने करके देखिए, एक महीने में पता चल जाएगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। अन्यथा की स्थिति में कुछ भी कर लोगे, सब कुछ बना लो, लेकिन लाइफ के साथ काम नहीं किया तो लाइफ पैसे होने, सब कुछ होने के बाद भी चिड़चिड़ी लगेगी, समझ रहे हो। सब भटकाव है, सब मृग तृष्णा है, चीज़ें वो हैं जो आपके तरफ आए, चीज़ें वो नहीं कि जिनके तरफ आप जाओ, समझ रहे हो। दो चीज़ें समझ लो यहाँ पे, दो चीज़ें हैं,
एक चीज़ है कि आपकी तरफ कोई आ रहा है, यानी कि मैं कभी किसी की तरफ नहीं गया, मेरे तरफ लोग आए, ये मेरी पावर हुई, मैं एक चुंबक बन गया, आकर्षण बिंदु बन गया, मैंने आकर्षित कर लिया सबको। एक तो ये मेरे अंदर क्वालिटी है, दूसरी क्वालिटी कि मैं सबकी तरफ भाग रहा हूँ। ये कैसी क्वालिटी हुई? मैं तो एक साधारण लोहा ही बन के रह गया, जो चुंबक के कोई दूसरा चुंबक है जो मुझे आकर्षित कर रहा है। आप खुद चुंबक बनिए, इस बात को समझिए, और वो तभी हो सकता है जबकि आपकी पर्सनालिटी में कुछ अलग चीज़ें हों, देखने के बाद, बात करने के बाद लोगों को लगे कि ये कुछ समथिंग स्पेशल है, इसे जुड़ना चाहिए, इसे बात करना चाहिए, इसे मिलना चाहिए, बैठना चाहिए। ठीक है, तो अपनी पर्सनालिटी पे काम कीजिए, ये पर्सनालिटी आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाएगी। बाकी ये ज्ञान बहुत आसान है, बहुत सीमित है, इसका एक दायरा है, UPSC PCS एक छोटा सा सिलेबस है, ख़त्म करो, सिलेक्शन पाओ। लेकिन सिलेक्शन के बाद कितने अधिकारियों के नाम जाने जाते हैं? चंद एक दो गिनतियों में रहते हैं। क्यों? उन्होंने अपनी पर्सनालिटी पे कभी काम किया था। इसलिए अपनी पर्सनालिटी पे काम कीजिए, मैं आपको ये सलाह देता हूँ। एक अच्छी दिनचर्या का अनुपालन करना सीखिए, ये मैं आपको सलाह देता हूँ। सुबह से शाम तक आप एक व्यवस्थित व्यक्ति हों जिसका एक गोल हो। पर डे का डेली तीन प्रकार के गोल डिसाइड कीजिए। एक लॉन्ग टर्म गोल होने चाहिए आपके, लॉन्ग टर्म के बाद आपके मंथली गोल होने चाहिए, और एक शॉर्ट टर्म डेली का गोल होना चाहिए। पर डे मुझे इतना करना है, जब सोएं आकलन करके करें, क्या मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचा, आज नहीं पहुंचा, चल कल पहुंचूंगा। ठीक है, जब ये चीज़ें डिसाइड, लॉन्ग टर्म गोल मेरा बहुत बड़ा है, लॉन्ग टर्म गोल मेरा बहुत बड़ा है, वो मेरे जीवन का गोल है, मेरे जीवन का लक्ष्य है, मुझे जीवन में अल्टीमेट IAS अधिकारी मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। मेरा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी किसी और के काम आ जाए, मैं किसी और के जीवन को प्रभावित करना प्रारंभ कर दूं, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा गोल है। इसके बाद प्लेटफॉर्म मेरा ये होगा, इस प्लेटफॉर्म से जाना है, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से जाना है, कहीं भी 50 प्लेटफॉर्म है, आप हर प्लेटफॉर्म से जाके काम कर सकते हैं। एक आपने ट्रेन पकड़नी है, ट्रेन पकड़ने के लिए आपने प्लेटफॉर्म पर चले गए, ट्रेन मिल गई, लेकिन आपका गोल ट्रेन पकड़ना थोड़ा ना था, आपका गोल था कि जहां आपको जाना है वो आपका लक्ष्य है, आपको दिल्ली पहुंचना है, तो दिल्ली वाली ट्रेन में बैठ गए, आ गए आप। बहुत आसानी से चीज़ों को समझिए। और एक अपना शॉर्ट टर्म गोल है, जिसके माध्यम से छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोलों से हम एक अपने लॉन्ग टर्म गोल को पाएंगे। लाइफ बहुत छोटी है, ज़्यादा उम्र हमारी बची नहीं है, 30 साल और जीना इस धरती में, 30-35 साल में कुछ बेहतर कर सकते हैं, नहीं तो हमारी पहचान भीड़ में रहेगी, भीड़ में ही जानी जाएगी। चंद लोग ही हैं जिनको जाना जाता है। तो यदि कुछ करके जाना है अपनी लाइफ में, थोड़ा सा भी आपको लगता है कि कुछ कर ले जाओगे, करोगे। देखो, जब सोच आती है तो करोगे, ये दिमाग में बैठा लो, सोच का खेल है, सोच ही नहीं डेवलप हो पा रही तो क्या है, सोच ही रिक्शे वाली है तो क्या होगा, है ना। कि डेली जीना है, अपने पेट के लिए भरना है, परिवार का चार रोटी हो जाए, इसके बाद अगले दिन फिर जाके 18 घंटा मजदूरी करना है, फिर इसके बाद आ जाना है, फिर अपना पेट और वो करके जहाँ तहाँ मिले सो गए, छानी छप्पर मिला सो गए, कभी बड़ी सोच हुई ही ना। सोच का खेल है, पैसे का खेल नहीं होता। कितने गरीब से गरीब लोग आज भारत में परिवार हैं, बड़े बड़े मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी क्या थे, सोचो, कुछ नहीं। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत कम धनराशि से आज भारत का सबसे बड़ा अमीर बैठा हुआ है, पीढ़ियों को देके चला गया। तो आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, बस सीखो, एक सोच डेवलप करो। देखो, एक शिक्षक का जो होता है ना, जैसे कि आज मैं टीचर हूँ, मैं टीचर, देखो टीचर के अंदर कितनी क्वालिटीज़ होती है, मैं आपको बताता हूँ, शिक्षक के अंदर कितनी क्वालिटी, शिक्षक एक नया शिक्षक बनाता है, शिक्षक एक नया शिक्षक बनाता है, शिक्षक समाज में वैज्ञानिक बनाता है, शिक्षक समाज में साइंटिस्ट बनाता है, शिक्षक समाज में अच्छे नागरिक बनाता है, शिक्षक समाज में IAS PCS अधिकारी भी बनाता है। काम तो सब शिक्षक कर रहा है ना। तो यदि एक सही शिक्षक आपके जीवन में मिल रहा है, तो आप, एक बार मैं कह रहा हूँ, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, यदि अमल में लाओगे तो आपको खुद पता चले, मुझसे कुछ किसी से प्रूफ लेने की जरूरत नहीं है, अपने आप में खुद आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। बस एक बार कार्य तो कीजिए, आपको खुद पता चलना चल जाएगा। मैं आपको बस एक वे दे रहा हूँ कि थोड़ा सा सोच में परिवर्तन लाइए, ऐसा सोचिए कि मुझे, मेरा लॉन्ग टर्म गोल बहुत बड़ा है, और उसके लिए मुझे मेरे प्लेटफॉर्म मुझे पकड़ने हैं। अभी आप अपने प्लेटफॉर्म की तरफ भाग रहे हो, वो प्लेटफॉर्म आपको मिलता है कि नहीं मिलता, ये आपका इनपुट डिसाइड करेगा। जितना इनपुट दोगे, कंप्यूटर पे जो इनपुट डालोगे वही तो आउटपुट आएगा ना फ्रंट में। तो आप इनपुट जो दोगे, सोने पे इनपुट दे दो, बहुत अच्छी बात है, आंसर राइटिंग पे इनपुट दे दो, बहुत अच्छी बात। जो चीज़ पे काम करोगे, जिस चीज़ पे आपने काम किया है, वो चीज़ आपकी हो गई है, आपको भी पता है। यदि आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, तो आपने कभी इंग्लिश पे काम किया ही नहीं, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, यानी हिंदी पे बहुत काम किया है,
आपकी मैथ बहुत अच्छी है, यानी मैथ पे ही ज़्यादा काम किया गया है, केमिस्ट्री पे नहीं किया गया, फिजिक्स पे नहीं किया गया, ज्योग्राफी पे नहीं किया गया, तो जिस चीज़ पे काम कर दोगे वो चीज़ आपकी हो जाएगी, इस बात को दिमाग में बैठा लो, ठीक है। तो थोड़ा मेहनत परस्त बनो और बेहतरीन से बेहतरीन करने का प्रयास करो। मेरा भी यही उद्देश्य है कि आप एक समाज के अच्छे नागरिक बनो। स्टूडेंट लाइफ में एक चीज़ और ध्यान रखना, अभी जिस उम्र में हो इसमें तीन चीज़ें खो, एक संयम जिंदगी जियो, इसमें क्रोध मत लाना कभी भी, क्रोध बहुत बुरी चीज़ होती है, पता है, बहुत छोटी चीज़ है। यदि मान लो अभी आप है क्रोधी है, मैंने बहुत बच्चों को देखा है, लोग क्रोध क्रोध में कुछ भी कर डालते हैं, मार देते हैं, पीट देते हैं, लड़ाई झगड़े कर लेते हैं, या फिर एक चीज़ और मैंने देखा डी वगैरह में ही, जैसे कि कभी हो जाता है कि आपस में ही लड़ाई हो गई, उसमें आप जा करके पड़ गए। यहाँ पे आपकी ज़िंदगी बहुत सुलझी होनी चाहिए, जानते हो कुछ नहीं होना, आपकी ज़िंदगी ख़राब करने में एक सेकंड लगेगा, क्या एक FIR आपकी, किसी ने आपके नाम से एक FIR कर दी, आपका गया करियर, कुछ नहीं कर सकते, ज़िंदगी भर बैठी है, कोई गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं मिलने वाली, ये दिमाग में बैठा के चलिएगा। इसलिए कोई क्रोध करे, मारे, पीटे, मैं नहीं कह रहा सह हो, आप जाओ, आप इनिशिएट करो, लेकिन आप अपने तरफ से कभी ऐसी गलतियां मत कर देना कि कभी ये नौमत तक पहुंच जाए। आती है नौमतें, कितने स्टूडेंट का लाइफ, लोग बीएड कर चुके हैं, बीटीसी कर चुके हैं, सब कुछ कर दिए, लेकिन नहीं पता, लाइफ मैनेजमेंट पे कभी काम नहीं हुआ, आज भी उनके अंदर ये सब चीज़ें, एक सेकेंड में पूरी ज़िंदगी ख़राब, सारी पढ़ाई एक तरफ, सब कुछ एक तरफ, तो इन सब चीज़ों से भी बच के रहना है, नहीं एक सेकेंड लगेगा आपका पूरा करियर चौपट करने में, किसी को भी करियर चौपट हो जाएगा यदि आपने एक भी गलती कर दी, समझ रहे हो, दिमाग में बैठा लो। एक ऐसे देश में रह रहे हो जहाँ कानून व्यवस्था बहुत सख्त है, भारत में रूल ऑफ लॉ है, तो कभी भी कानून को हाथ में नहीं लेना, कभी भी लड़ाई झगड़ों से दूर रहो, 10 किलोमीटर दूर रहो लड़ाई झगड़ों से, मतलब मत रखो इन सब चीज़ों से अभी इस उम्र में, जब तक आप उसमें नहीं जाते। लड़ाई झगड़े करें ही क्यों, वाय क्या कारण है, कुछ नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं ना। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे इस चीज़ को कहने में बड़ा दुख हो रहा है कि